हजारीबाग जिले में अपराधी का मनोबल काफी बढ़ा। कटकम दाग प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साहू को गोली मार कर की हत्या। हजारीबाग में अज्ञात अपराधियों ने सरेआम कटकम दाग प्रखंड प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साहू को गोली मार कर हत्या कर दी। घटना शहर के झील परिसर के आसपास की है। बताया जाता है कि अपराधियों ने सर के पास सटा कर गोली मारी है, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर हो गई। उदय साव को हजारीबाग के निजी अस्पताल में लाया गया। सूचना मिलने के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत जिला के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ले रहे हैं। अपराधियों के धर पकड़ के लिए पूरे शहर में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। घटना के बारे में जानकारी मिल रही है कि उदय साव झील परिसर में पहुंचे थे, उस वक्त उन पर गोली चली है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि अब तक यह पूरा मामला ब्लाइंड है। आखिर वे झील परिसर क्यों गए थे, किससे मुलाकात करने के लिए गए थे, इन बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि पूरे घटना पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अरे अभी तक अभी जस्ट हम भी आए हुए हैं हॉस्पिटल में, देखिए गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विशेष इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे कि क्या मामला क्या है, कौन है ये, क्या इतिहास रहा है। ये अभी तक जो लोगों के द्वारा पता चला, इनकी पत्नी शायद मुखिया है, वो प्रमुख है, और इन्हीं जमीनों में इनका काम वाम करते थे। यही अभी तक कहाँ घटना घटी है और कितना गोली लगा। घटना तो ये झील के पास घटी है। वो एग्जैक्ट हम भी वहाँ पहुँचने जा रहे हैं देख के पीओ पे, उसके बाद बता। मोना ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। मोना ट्रेवल्स पिछले कई सालों से आपकी सेवा में तत्पर है। बुकिंग के लिए संपर्क करें, जैसे टूरिस्ट बुकिंग, बारात बुकिंग, मुंडन, लोटा पानी, बड़ा मेहमानी, बारात सारात। कॉन्टेक्ट नंबर 9570201668। लास्ट बस शाम 5:20 में रांची RTI बस स्टैंड से चतरा के लिए चंदवा, बालूमाथ, सिमरिया, जोरी, हंटरगंज। निश्चित रूप से यह बहुत दुखद घटना हो रही है। हजारीबाग क्राइम हब बन चुका है। यहाँ पर हमको लगता है माफियाओं का राज चल रहा है, और सुनियोजित तरीके से ये हत्याएं हो रही है। चाहे जमीन का मामला हो, कोयला का मामला हो, बालू का मामला हो, यहाँ पर प्रशासन जो है एकदम मूकदर्शक बन करके रह गई है। इलेक्शन के दरमियान में भी कई तरह का यहाँ पर देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में मेरा बेटा को बॉडीगार्ड क्लोज कर लिया गया, और मेरे बेटे का साथ घटना घटा, उसके मेरा बॉडीगार्ड क्लोज कर लिया गया। हो सकता है कल मेरी भी हत्या हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई सुरक्षित यहाँ नहीं है जिला में, और जिला में प्रशासन एकदम निर्कुंज सोच गई है। मैं इस संबंध में कल हजारीबाग बंद बुलाऊंगा, और माननीय मुख्यमंत्री को ये सारी जा करके संज्ञान में उनको दूंगा और बात करूंगा। एक बहुत गंभीर विषय है, अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हजारीबाग सेफ नहीं है, और हजारीबाग ये क्राइम हब बन गया है। यहाँ सिर्फ असूली का काम चल रहा है, चाहे बालू हो, कोयला हो, और कई तरह का सारा चीज है। अपराधी और पुलिस का गठजोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो हमने अभी तक हमने मुआयना किया है। अच्छा, अपराधी बेखौफ हो गए हैं? अपराधी एकदम शहर में है, अपराधी शहर में, लेकिन पुलिस का जो ये संज्ञान में सब चीज है, परंतु पता नहीं पुलिस का क्या संरक्षण प्राप्त है क्या है, हमको तो ऐसे लग रहा है। और यहाँ पर ही जो है माफियाओं का राज, पुलिस अगर 24 घंटे के अंदर ये सारा उद्भेदन नहीं करते, हजारीबाग पूरे बंद कल बुलाया जाएगा। और ये जो है सो प्रशासन के ये घोर निंदा जितना भी की जाए कम है। प्रशासन जो है इसमें अपने आप को एकदम पंगु बन गया है, हजारीबाग जिला प्रशासन, और सिर्फ यहाँ पर आज के दिन में जो है, चाहे वो बड़का गांव हो या केरेवाड़ी हो, पतरातु हो, या हजारीबाग जिला हो, चाहे कोई भी, अब अछूत नहीं है। कहीं पर किसी पर भी घटना हो सकती है, और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और अपराध का ग्राफ अब दिनों दिन हजारीबाग का बढ़ता जा रहा है।